हरियाणा पूर्व केंद्रीय मंत्री कुमारी शैलजा के नेतृत्व में आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्राचीन श्री काली माता मंदिर से यादविंद्र गार्डन पिंजौर तक पैदल आज़ादी की गौरव यात्रा निकाली। शुक्रवार के दिन आज़ादी की गौरव यात्रा की शुरुआत कालका के प्राचीन श्री काली माता मंदिर से पिंजौर शहर के यादविंद्र गार्डन तक पहुंची। यहां पर कांग्रेस कार्य समिति CWC सदस्य एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री हरियाणा कांग्रेस पूर्व प्रदेश अध्यक्षा कुमारी शैलजा के नेतृत्व में शुरू हुई थी। यहां पर इनके अलावा हरियाणा के पूर्व उप मुख्यमंत्री चंद्रमोहन, कालका विधायक प्रदीप चौधरी और अन्य कांग्रेस कार्यकर्तागण साथ थे। आज़ादी गौरव यात्रा जो आज दो दिन के बाद 75वें साल पूरे करके आज हम उन महान सपूतों का, उन देश के जवानों का जिन्होंने अपनी जवानी जेलों की कोठरियों में काटी, क्रांतिकारी महान उन सपूतों का जहां हम दिल की गहराइयों से शत-शत नमन करते हुए उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, वहीं इस गौरव यात्रा का एक मकसद ये भी है कि कांग्रेस पार्टी ने देश के लिए क्या किया। और हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि जहां शहीद भगत सिंह जी, सुखदेव जी, राजगुरु जी जैसे उन महान क्रांतिकारियों ने अपने प्राण त्यागे, इस देश की जिनकी मिट्टी में आज हर कण कण में खुशबू है, जिनके कारण आज हम देश में आज़ादी से खुली सांस लेने के लिए आज जो हम यहाँ उपस्थित हैं, अपनी बात कटकों को कहते हैं, वहीं जहाँ इन शहीदों को हम सबसे नमन करते हैं। इस यात्रा के माध्यम से स्वतंत्रता संग्राम में अपने प्राण न्यौछावर करने वाले शहीदों तथा कांग्रेस पार्टी के योगदानों को आम जन तक पहुंचाया। जिला पंचकुला के कांग्रेस कार्यकर्तागण भी यहां मौजूद थे। तो हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी और हमारी हरियाणा की पूर्व अध्यक्षा कुमारी शैलजा जी के नेतृत्व में आज कालका से एक गौरव यात्रा जो पूरे देश में कांग्रेस पार्टी निकाल रही है, आज हम उसका हिस्सा बने। मुझे बहुत ही अपने आप को गौरवान्वित महसूस हो रहा है आज इस गौरव यात्रा में शामिल होकर। हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि मेरा अपना हल्का कालका विधानसभा में कालका काली माता के मंदिर से गौरव यात्रा शुरू हुई और पिंजौर गार्डन तक ये यात्रा चलेगी। और जब जब कांग्रेस पार्टी ने हमें जो भी संदेश दिया है, हमें जनता तक उसको पहुँचाने का काम किया है। साथियों, जैसा कि आप सब जानते हो कि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने, देशभक्तों ने अपनी कुर्बानियों से इस देश को आज़ाद कराया। लेकिन आज बहुत ऐसी ताकतें हैं जो हमारे देश को कमज़ोर करना चाहते हैं। आज ज़रूरत है उन लोगों से अपने आप को बचाने की जो हमारे देश को कमज़ोर करना चाहते हैं। मैं 15 अगस्त 1947 को जिस तरह हमारे देश आज़ाद हुआ, बहुत से हमारे वीर सिपाहियों ने, स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी कुर्बानी दी, और अगर मैं कहना चाहूँ, कहना तो नहीं चाहती थी, लेकिन जिस तरह आज BJP भी एक घर घर झंडा लगाने का एक प्रयास कर रही है, मैं समझती हूँ जब से देश आज़ाद हुआ है 55 साल तक इन्होंने अपने RSS के ऑफिस पर कांग्रेस का झंडा या देश का झंडा नहीं लगाया था। ये आज हमारी जीत है, कांग्रेस पार्टी की जीत है कि आज हमारे नेताओं ने, शीर्ष नेतृत्व ने और हमारे कांग्रेस के हर कार्यकर्ता ने उनको मजबूर किया है घर घर कांग्रेस पार्टी का और देश का झंडा। इस यात्रा में वरिष्ठ कांग्रेस नेता शशि शर्मा, कांग्रेस की टिकट पर कालका से विधानसभा का चुनाव लड़ चुकी कांग्रेस प्रदेश महासचिव मनवीर कौर गिल, पूर्व मेयर उपेंद्र कौर आहलूवालिया, वरिष्ठ कांग्रेस नेता व पूर्व पार्षद दलवीर वाल्मीकि, वरिष्ठ कांग्रेस नेता व हरियाणा प्रदेश अग्रवाल समाज के प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप गर्ग, पूर्व चेयरमैन धीरेन्द्र वालिया, कांग्रेस पार्षद पद के उम्मीदवार रहे एडवोकेट नवीन बंसल, कांग्रेस नेता नरेश मान, वरिष्ठ कांग्रेस नेता अजय सूद, जिला पंचकुला यूथ कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष आदर्श यादव, कांग्रेस नेता चरणजीत उर्फ बुद्धू, यूथ कांग्रेस नेता अंकुर बिश्नोई, रेखा शर्मा, हरियाणा कांग्रेस महिला प्रदेश महासचिव पवन कुमारी शर्मा,
प्रसिद्ध समाजसेवी हर्ष कुमार चड्ढा, नायब चौधरी सहित भारी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्तागण इस पदयात्रा में शामिल हुए। आज कालका में काली माता मंदिर से पिंजौर गार्डन तक सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आदरणीय केंद्रीय मंत्री पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष हरियाणा सदस्य कार्य समिति बहन शैलजा जी, प्रदीप चौधरी जी और हमारे सभी पार्षद साथियों के साथ काली माता मंदिर से पिंजौर गार्डन तक पदयात्रा की। एक गौरव पदयात्रा 75वें इस हमारे स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष में, और इसमें एक इतना जोश था कि सैकड़ों हमारे साथी कार्यकर्ता मंदिर से यहां तक जो लगभग 7-8 किलोमीटर पहुंचे, और यहां पर मैडम शैलजा जी ने पूरे विस्तार से जो कांग्रेस पार्टी ने स्वतंत्रता के लिए किया और जो वर्तमान सरकार स्वतंत्रता को समाप्त करने के लिए उसमें अंतर बताया, ये प्रदर्शन कार्यक्रम और ये आंदोलन हमारे चलते रहेंगे और कांग्रेस पार्टी अपनी आवाज़ उठाती है। आज़ादी की गौरव यात्रा कालका के प्राचीन श्री काली माता मंदिर से शुरू हुई थी, जिसके बाद पैदल पदयात्रा गांधी चौक से होते हुए कालका के मेन बाजार से, कालका कॉलेज से होते हुए सीधे पिंजौर यादव इंदिरा गार्डन में पहुंची, जहां पर पूर्व केंद्रीय मंत्री कुमारी शैलजा ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। 75 साल पहले देश को आज़ादी कैसे मिली, देश के करोड़ों लोगों ने गांधी जी के नेतृत्व में, कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में आज़ादी की लड़ाई लड़ी, सालों साल लड़ी, सालों साल जेल में गए, न जाने कितनी कुर्बानियाँ दी, ना केवल नेताओं ने बल्कि आम लोगों ने, आम जनता ने, और बड़ी मुश्किल से ये आज़ादी हमें हासिल हुई है। 75 साल हम मना रहे हैं। कुछ लोग पूछते हैं कि 75 साल में क्या किया, आप देखते हैं जो आज़ाद मुल्क आज़ाद देश इतना तेज़ी से आगे बढ़ा, आगे निरंतर बढ़ता रहा है, यहाँ का लोकतंत्र, यहाँ के लोग कितने मजबूत हैं, इस लोकतंत्र को हमने बचाए रखना है, आम आदमी की ज़िंदगी महफूज रहे। हमारा संविधान जो हमारे नेताओं ने उस समय फाउंडिंग फादर्स ने हमें दिया, डॉक्टर अम्बेडकर के नेतृत्व में ये संविधान बनाया गया, और उस संविधान ने आज तक हमारे एक एक नागरिक की रक्षा की, हमारे सभी नागरिकों को समान रखा है, गरीब से गरीब, अमीर से अमीर। आज जबकि हम देख रहे हैं कि चाहे मीडिया की बात हो या आम जनमानस की बात हो, किसी न किसी तरह से जो हमारा एक मौलिक अधिकार है उसको दबाने की कोशिश की जाती है, जो एक आज़ाद देश में अपनी बात रख सके, तो इसलिए हमें आज हमारे नेता राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जो ये लोगों को इतिहास दिलाने की एक और बात कर रहे हैं, हम आगे भविष्य उज्जवल, पिछले 75 साल जो रहे, आगे 75 साल इस देश को हम एक रखें, इसके लिए राहुल गांधी जी एक यात्रा भी निकालेंगे, भारत जोड़ो यात्रा। तो कांग्रेस की हमेशा ये कोशिश रही है और हमेशा हमारा प्रयास रहा है कि हम इस देश को, इस देश की गंगा जमुनी तहजीब को एक रखें, भाईचारा फैलाएं, अमन चैन शांति, जिसके लिए गांधी जी ने अपने प्राण तक न्यौछावर किए, अनेकों नेताओं ने अपने प्राण न्यौछावर किए, हम उस स्वाधीनता को समाये रखें, अपने आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए इसको संजोए रखें और इसको महत्व।